इसके साथ साथ ताजनगर में भी तूफान, ओला और बारिश हुई। ओला, बारिश, तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पेड़ गिर गए, लोगों के टीन शेड उखड़ गए, लोग घबरा गए। लेकिन कुछ समय के बाद बारिश थमी और आंधी भी थमी, लोगों ने राहत की सांस ली। आगरा जनपद में 24 मार्च से ही भीषण गर्मी का प्रकोप था। शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आया तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। शाम होते होते भीषण बारिश, तेज आंधी के साथ जमकर ओले पड़े, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। तमाम पेड़ पौधे धराशायी हो गए। आंधी और ओलों की चपेट में आकर कई पक्षी और जीव जंतु काल के जाल में समा गए। ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान बताया गया है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही देहात में तमाम पेड़ पौधे भी धराशायी हुए हैं। कई जगह से मकानों के गिरने की भी खबरें मिल रही हैं। प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार आई है, कल रात को इतना तेज तूफान था कि आगरा शहर में सभी जगह काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां काफ़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जगह जगह पर आपके हम आपको बता दें कि आगरा शहर के जयपुर हाउस में भी कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। देहात क्षेत्र में भी काफ़ी ओलावृष्टि जो हुई है, काफ़ी भारी तादाद में, काफ़ी तेज तूफान था। वहीं दिल्ली में भी भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो एक कोरोना की महामारी और ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा से इतना खुद इंसान अब और ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि इस तरह उनकी क्षतिग्रस्त कुछ गाड़ियाँ हुई हैं और काफ़ी सामान भी नष्ट हुआ है। तो आइए, हमारे साथ बोधला निवासी यहाँ चंद्रकांत जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनका एक छोटा सा गैरेज है और यहाँ कार का काम है इनका, डेंटिंग का। तो यहाँ गाड़ियाँ जो डेंट होने के लिए आई हैं, हमने सहयोगी जी के सहयोगी से कहूँगा, देखिए किस प्रकार यहाँ पूरी पेड़ टूट कर गिरे हैं। एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है, यहाँ तक कि एक घर पर भी इनके ये बच्चे और इनका पूरा परिवार जो रहता है, और यहाँ एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती थी। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत नाम है। चंद्रकांत जी, किस प्रकार कितने बजे की समय की ये घटना है कल? ये ऐसे ही था, 9 बजे के आसपास का। अच्छा, नहीं नहीं जी, हाँ 9:30 बजे के आसपास का था ही। जी, कल रात्रि जी तेज तूफान आया है, तो उसमें क्या क्या आपकी चीजें क्षतिग्रस्त हुई? हमारी क्षतिग्रस्त, एक तो ये मकान पे वो दीवारें पे, और समझ लो वो पीपल का पेड़ है, वो गिर गया है। इस पे पूरा जी मकान एकदम ऐसी गिराए, वो का समझ लो मकान ही पूरा ऐसे लग रहा टूट गया। कितनी गाड़ियाँ आपकी क्षतिग्रस्त हुई है? जो आपकी 3-4 गाड़ी है, उसमें सब पूरी टूट चुकी है जी। ये गाड़ियाँ किन की है? ये कस्टमरों की गाड़ी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, हम मैकेनिकल काम है, डेंट पेंट का भी काम है अपना। और बाकी तो पहले से ही परेशान थे, और बाकी ये तुम्हारा जी समझ लो जी तूफान में इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी भयभीत हो चुकी है। तो आपने प्रशासन में कोई सूचित किया किसी को? आपने सूचित अभी तो कुछ नहीं करा है हमने तो। अच्छा, तो ये आप यहाँ रहते हैं, तो आपका ये खुद के उस पर रहते हैं गैरेज या रेंट पे? रेंट पे, जिसका भी किराए के लिए काफ़ी किराया है इसका, और वो भी देने के लिए पैसा ही नहीं आ पा रहा है कहीं से, काम है नहीं है बिल्कुल भी। 2 महीने से वैसे बैठे हैं, अब जी बाकी का जी और बैठे वो भी हिसाब किताब, और ऊपर तेज किराए का और हिसाब किताब चल रहा है। दूसरा नंबर ये कस्टमर की गाड़ी है, अब वो बताओ, अब वो नाराज होंगे, बताओ वो छेतेंगे, बताओ कि जी नुकसान हो गया जी। यानी कि आपका लगभग मानकर भारी नुकसान हुआ है? भारी नुकसान है, पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है हमें।